हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रैप ट्रेडिंग। तो गाइज, आज के दिन में बिगिनर ट्रेडर हो, एडवांस ट्रेडर हो, सारे नॉलेज होने के बाद भी वो बंदे ट्रैप हो जाते हैं, प्रॉफिट करते हैं लेकिन कहीं कहीं ट्रैप होके बड़े लॉसेस खा जाते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में हम एक एक पार्ट करके समझेंगे कि कैसे आप ट्रैप ट्रेडिंग से बच सकते हैं एंड इनफैक्ट आप उस ट्रैप ट्रेड के यूज़ करके पैसे कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जहाँ तक अभी तक जिस पैटर्न पे, जिस सिस्टम पे आप लॉस कर रहे थे, उस सिस्टम का यूज़ करके अगेंस्ट जाके आप उस एक जो बोलते हैं ना, उस एक कंडीशंस का यूज़ करके पैसा बना सकते हो। तो गाइस, ये कैसे होगा सर, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लाइक कहीं फेक ब्रेकआउट होता है तो बहुत लोग का होता है, सर मैं फेक ब्रेकआउट पे सेल कर दूँ, क्या पुट बाई कर लूँ, क्या बड़ा प्रॉफिट होगा? बिल्कुल सही है, लेकिन क्या कंडीशंस होते हैं उसके? कुछ ऐसा नहीं कि हर फेक ब्रेकआउट पे या हर फेक ब्रेकडाउन पे आप पैसे बना सकते हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ थ्योरीज होती हैं जिसको आप समझ सकते हो तो आप ट्रैप ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। गाइज, देखिए, ये वीडियो देखने का एक पैटर्न होता है, मैं हमेशा से रिपीट करता हूँ, जितने क्वेश्चंस मैं पूछता गया हूँ। गाइज, आप वीडियो को 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड के लिए पॉज करिए और वो क्वेश्चन का आंसर करिए। इससे क्या होगा, आप एक्टिव रहोगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा और एक प्रॉपर वीडियो से आप मैक्स टू मैक्स रिटर्न नॉलेज लेने का ट्राई करोगे। एंड गाइज, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि से कम आप इसको 2 से 3 बार देखिएगा, तभी आपको इसका जो मेन क्रैक होता है ना, जो मेन इसका वो बोलते हैं, जो असली नॉलेज होता है वो आपको मिल पाएगा। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं ट्रैप ट्रेडिंग आखिर है क्या। तो रिसेंटली में गाइज आपने देखा होगा, आजकल बहुत सारे लोग ट्रैप हो रहे हैं, लगातार मार्केट में ट्रैप हो रहे हैं। तो पहले हम ट्रैप ट्रेडिंग को समझेंगे, फील करेंगे, आफ्टर दैट हम देखेंगे कितने टाइप से ट्रैप होते हैं और कितने टाइम पे आप स्टार्टिंग में ट्रैप पर ट्रेड नहीं भी करते हो ना, बस आप ट्रैप से बचते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे लाइफ में, पर्सनली आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरे लाइफ में ऐसे लोग भी हैं जो हम लोग ट्रैप ट्रेड पे ही पैसे बनाते हैं, जहाँ पे सब लोग कॉल बाई करते हैं, हम पुट बाई करके बड़ा पैसा बनाते हैं बिकॉज आप ट्रैप ट्रेडिंग पकड़ते हैं। तो बस आप स्टार्टिंग में ये मत ट्राई करो कि आप ट्रैप ट्रेड से बचो भी और ट्रैप ट्रेड पे पैसा भी बचाओ। पहले हम धीरे धीरे ट्रैप ट्रेड से बचना सीखते हैं, वहाँ पे ट्रैप होने से बचते हैं, उसके बाद उसका यूज़ करके हम पैसे बनाएंगे। तो गाइज, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जब भी ट्रेड करते हो आपके लगातार ट्रैप हो जाते हो, 70-80% ट्रैप होता है और लॉस होता है। आपको कमेंट में लिखना है कि यस सर, अगर आपकी 80% यानी 10 में से 8 ट्रेड ट्रैप होते हैं तो आप लिखना यस सर ट्रैप और इज इक्वल टू लगा के 80%। अगर आप 50% ट्रैप है तो यस और कॉमा करके ट्रैप इज इक्वल टू 50 डाल दीजिएगा। 10 में से 3 बार ट्रैप होते हो तो लिखिएगा 30%। तो ये टाइप करके लिखिएगा जिससे कि आप एक्टिव हो जाओ और वीडियो को स्टार्ट करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, आप ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने लॉस हुए हैं इस ट्रैप ट्रेडिंग या इस स्टॉक मार्केट में रिसेंटली 3 से 4 महीने में, मतलब पिछले 3 से 4 महीने में आपने कितना लॉस किया है ये भी कमेंट करिएगा, और ट्रैप ट्रेडिंग में कितना परसेंट आप ट्रैप हुए हो उसको भी कमेंट करिएगा। तो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की वीडियो पर एम रहेगा 5000 लाइक के एंड 3000 शेयर्स आप कर सकते हो। और सब लोग गाइज एक प्यारा सा कमेंट करिएगा क्योंकि ये वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, मतलब जो चीज़ मैं बताऊंगा ना वो चीज़ लिटरली आपको मज़ा आ जाएगा सुन के, इसकी गारंटी मैं करता हूँ। बस आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड जितना अच्छा कमेंट कर सकते हो करना गाइज। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दी ट्रैप ट्रेडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पहले ट्रैप ट्रेडिंग को समझाने का ट्राई करूंगा। वेट ए मिनट, पहले मैं ट्रैप ऑफ ट्रेडिंग को समझाने का ट्राई करूँगा। ट्रैप मतलब होता है कि पहले फील करते हैं। ट्रैप एक डेफिनेशन नहीं है, एक नॉलेज नहीं है, एक कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप उसको समझ जाओगे, चाहे आप उसको रट सकते हो, इसको आप फील कर सकते हो, समझ सकते हो। ये रटने वाली कॉन्सेप्ट नहीं है कि लाइक फेक ब्रेकआउट क्या होता है, चाहे ब्रेकआउट क्या होता है, चाहे सपोर्ट क्या होता है, एक रटने वाली चीज़ें नहीं है। ये फील कर सकते हो आप, पैटर्न्स को देख के समझ सकते हो, आप चार्ट को देख के समझ सकते हो। और कहीं ना कहीं गाइज, आप ट्रैप में तभी एक्सपर्ट बनोगे जब धीरे धीरे ट्रैप्स पे आप टाइम दोगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आप वीडियो देखने के बाद आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, 10 के 10 ट्रैप पकड़ लोगे, नहीं गाइज। वीडियो देखने के बाद ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि 10 में से अगर आप 8 बार ट्रैप होते हो तो कम से कम अब 10 में से केवल 2 बार ट्रैप होगे, 6 बार आप अपने आप को बचा सकते हो, अपने पैसे को बचा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन या इसकी एक फील से। ट्रैप मतलब क्या होता है? मतलब ट्रैप का मतलब ही है किसी चीज़ को ट्रैप करना, उस चीज़ को पकड़ना, आपको झलावा देना, आपको दिखाना कुछ और, करना कुछ और, दिस इज़ कॉल्ड ट्रैप। ट्रैप का सबसे बेसिक होता है ना, वही उसका फर्स्ट टाइप होता है कि दिखाया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है। ट्रैप के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका सबसे ट्रैप के डेफिनेशन से ही होता है कि दिखाया कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैप।
फॉर एग्जाम्पल एक मिराग आता है, चैमरिक तेसरा भी बोलते हैं, जब आप रेगिस्तान में जाते हो तो क्या होता है, आप खुद देखो, मार्केट ऑपरेटर समझ चुका है कि जो रिटेलर्स है ना उनको मैक्सिमम लोगों का फोकस क्या कि मैं अपने लॉस को रिकवर करूं। और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप अभी मार्केट में क्यों रुके हो, आप ये चाहते हो कि लॉस रिकवर करके चले जाना, या आप चाहते हो कि मार्केट में लॉस रिकवर करके सीखना। अगर आप लॉस रिकवर करके सीखना चाहते हो तो LCS लिखिएगा, मतलब लॉस रिकवरी उसके बाद सीखना। अगर आप लॉस रिकवर करके चले जाओगे तो LCB लिखिएगा, मतलब लॉस रिकवर के बाद बाय, हम उसके आगे नहीं टिकेंगे। और मुझे अभी भी भरोसा है, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं 3 तक काउंट करता हूँ, 1, 2, 3, 3 तक काउंट मैंने कर दिया है। इसमें से 70% कमेंट जो आएंगे वो LCB पे आएंगे, मतलब लॉस रिकवरी करके बाय बोल देंगे, सर बस मेरा लॉस रिकवर करा दो, अब मैं अगले बार से मार्केट में नहीं आऊँगा, मैं जैसे हूँ खुश हूँ, मेरा 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख का लॉस है, उसको रिकवर करा दो। अब वो लोग क्या करते हैं बेचारे, उनका माइंडसेट होता है लॉस रिकवर करके जाना। वो लोग को, वो लोग बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं, हैमर मतलब मार्केट नीचे, हैमर मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, शूटिंग स्टार मतलब मार्केट नीचे आएगा, ब्रेकआउट मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन मतलब मार्केट नीचे जाएगा। उनको कुछ लिमिटेड पैटर्न्स पता है बेचारे, वो उस पर ही ट्रेड करते हैं। अब ऑपरेटर्स लोग ने क्या किया, जैसे रेगिस्तान में होता है आपको प्यास लगी है, आपको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आपके माइंड क्या करता है ना, आपको हर चीज़ जगह पानी दिखाएगा, वहाँ पे भी पानी दिखाएगा, आप दौड़ के जाओगे कहेंगे यार यहाँ तो पानी नहीं है, ये तो केवल मेरा मन का वहम था। वैसे ही मार्केट हो चुका है, अब आपको मैक्सिमम पब्लिक को क्या चाहिए, प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट चाहिए। उनको लॉस, 1 रुपए का भी लॉस होता है, 10 पॉइंट का भी लॉस होता है, वो परेशान, उनको 1 पॉइंट का ही हो लेकिन प्रॉफिट हो, 2 पॉइंट ही हो लेकिन प्रॉफिट हो, 10 पॉइंट हो लेकिन प्रॉफिट हो, उनको ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट प्रॉफिट हो, 30 पॉइंट लॉस हो, ऐसा 70% पब्लिक नहीं सोचती है। आप बोलोगे सर मैं सोचता हूँ, लेकिन कभी आप लाइव मार्केट में फील करना, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते हो। पहला ट्रेड अगर 10 पॉइंट का लॉस देगा, परेशान हो जाते हो, और यही माइंडसेट सभी लोगों का बन चुका है। तो ऑपरेटर इसी का फ़ायदा उठा रहा है, मतलब वो क्या करता है, वो चीज़ें दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, जहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखता है, फिर वहाँ पे ट्रैक कर जाता है। फॉर एग्जांपल मार्केट बार बार शूटिंग स्टार बनाएगा, बार बार शूटिंग स्टार बनाएगा, बार बार शूटिंग स्टार बनाएगा, पहला वाला बंदा यहाँ पे इंटर कर गया, दूसरा वाला यहाँ पे इंटर कर रहा है, यार अब तो मार्केट में पैसा बनेगा, 2 शूटिंग स्टार बन गई, कुछ लोग यहाँ पे इंटर कर रहे हैं और अचानक से ऐसे ब्रेक कर जाएगा। अब कुछ लोग की सांसें टंगी है, अरे यार मेरा ट्रेड तो छूट गया, ये तो नीचे जा रहा, मैं क्या करूँ, ये तो नीचे जा रहा, मैं क्या करूं। और ये बताइएगा कितनों के साथ ऐसा होता है, ये होता है, मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैंने जिनसे बात की मुझे पता है। अब आधे लोग डर गए, अरे यार ये तो ब्रेकडाउन हो गया, ये क्या हो गया, मेरा ट्रेड छूट गया। अब वो डर के यहाँ से यहाँ आने में केवल 20 सेकंड लगा, और ये 20 सेकंड में जो वॉल्यूम जनरेट होगी पता कितनी होगी, 70% लोग ने जंप कर गया पुट में, 70% लोग। और जैसे 20 सेकंड में जंप किए, आगे के 30 सेकंड में मार्केट ने क्या किया, तुरंत यहाँ पे एक हैमर बना दिया। अब सांसें अटक गई, अरे यार अभी तो ब्रेकडाउन दे रहा था, अभी तो हैमर बन गया, क्या करें हम, क्या करें। जैसे अटकते जाएगी साथ से, आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, एवरेजिंग करोगे, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, उसके बाद अचानक देखोगे मार्केट ऐसे चढ़ गया, मतलब प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस डबल हो गया। और ये 90% लोगों के साथ होता है कि जैसे वो ट्रेड में जंप करते हैं मार्केट जस्ट उल्टा जाएगा, या ट्रेड में जंप करेंगे मार्केट थोड़ी देर रुकेगा फिर उनके साइड उल्टा चला जाएगा, या 2-4 पॉइंट उनके साइड आएगा फिर तुरंत 20 पॉइंट उनका गेम चलाएगा। और ये लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यस सर मेरे साथ होता है, मैं ये शूटिंग स्टार वाले पे पकड़ा जाता हूँ। SS ट्रैप लिख दीजिए कमेंट में, SS ट्रैप, शूटिंग स्टार ट्रैप। मैं आपको और दिखाता हूँ ट्रैप ट्रेडिंग लाइव में, जिससे कि आप समझ पाओगे एक्चुअली कैसे ट्रैप होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखो। और कभी भी एक बात याद रखना, जब मार्केट ट्रैप करता है ना गाइस, जब मार्केट ट्रैप करता है तो बहुत तेज़ी से एक कैंडल बनाएगा, जैसे ये कैंडल, चाहे वो इतनी बड़ी कैंडल बनाएगा ना जिसको आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया हो, एकदम बड़ी कैंडल बना के अचानक से भाग जाएगा और आप डर जाओगे, अरे यार ये क्या हो गया, मतलब वो आपको निकलने तक का मौका नहीं देगा। क्या करेगा वो, आपको निकलने तक का मौका नहीं देगा और आपको ट्रैप कर देगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत शानदार ट्रैपिंग हुई है, और यहाँ पे कैसे ट्रैप हुआ मैं ये समझाता हूँ। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे कि आप रिलेट कर पाओ, कंफर्टेबल हो पाओ। यहाँ पे इतना मस्त एक आया था, मार्केट में ब्रेकडाउन आ रहा था, मार्केट मस्त ट्रायंगुलर पैटर्न बना के यहाँ पे ऊपर आ रहा था जबरदस्त तरीके से। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। अब यहाँ पे पहला हैमर कैंडल आप देखो कहाँ पे बना, ये वाली कैंडल का पहला हैमर बना, ठीक है। दूसरी कैंडल यहाँ पे हैमर बना, मार्केट रुका, तीसरी कैंडल ने यहाँ पे हैमर बनाया, चौथी कैंडल ने यहाँ पे हैमर बनाया। अभी लगातार 4 हैमर्स देख के लोगों के दिमाग में आता है अब तो मार्केट जाएगा, क्योंकि बायर्स आ चुके हैं और यहाँ पे हैमर बना रहे, यहाँ पे भी मार्केट जाने का ट्राई किया, फिर नीचे आया।
अब लोग पैनिक होकर एंट्री कर रहे हैं, यार कॉल ले लो हमारे तो ट्रेड छूट जाएगा। जैसे उन्होंने कॉल लिया हल्का सा नीचे आया और अगली कैंडल देख कितनी बड़ी बनाया, मतलब ट्रैप ट्रेडिंग होगी तो आपको निकलने का मौका नहीं देगा। ऐसा नहीं कि इतनी छोटी छोटी कैंडल बना के नीचे आएगा, वो बड़ी कैंडल बना के तुरंत नीचे आ जाएगा और आपको डरा देगा, मतलब निकलने का मौका नहीं देगा, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैप। और यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम लोग ट्रैप हो गए। क्यों? पहले तो अगर मार्केट को जाना होता, आप समझो मार्केट को जाना होता तो मार्केट चला गया होता, वो रुक क्यों रहा है? आप खुद सोचो, अगर मार्केट को जाना है तो जा क्यों नहीं, रुक क्यों रहा है, पहली चीज़। और अगर वो रुक भी रहा है तो बार बार हैमर क्यों बना रहा है? आप फिर से सोचो, हैमर वो इसलिए बना रहा है कि जो बिगिनर है वो सोचेंगे हैमर बना तो मार्केट ऊपर जाएगा, वो एंट्री कर रहे हैं। और दूसरी वो हैमर क्यों बना रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि जिन्होंने यहाँ पे इंटर नहीं लो यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, वो आपको पैनिक कर रहा है, फोमो की दिक्कत दिला रहा है। अब आप इंटर कर जाओगे मार्केट ब्रेक कर जाएगा, मतलब वो आपको पहले लिक्विड गेन करता है फिर आपका स्टॉप लॉस काटता है। पहले आपको एंट्री कराएगा, वॉल्यूम अनजनरेट कराएगा, फिर स्टॉप लॉस काटेगा। अब इनसे बचने के तरीके क्या है सर, ये बताइए। ट्रैप तो मैं समझ गया क्या है, अब बचने के कुछ तरीके बताइए जिससे कि मज़ा आ जाए सर, क्योंकि हम ऐसे ट्रैप में ट्रैप होते हैं। अगर आप होते हो तो लिखिएगा यस सर, एच और एस एस, ऐसे लिखिए कमेंट बॉक्स में, एच और ये ऑब्लिक एस एस इज इक्वल टू ट्रैप। मतलब आप हैमर और शूटिंग स्टार पे ट्रैप होते हो तो आप ये वाला ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, इससे मुझे आइडिया मिलेगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कितने टाइप के ट्रैप ट्रेडिंग होते हैं उसको बताऊँगा, ठीक है। चलिए अभी मैं आ जाता हूँ अपने प्यारे कॉन्सेप्ट ट्रैप ट्रेडिंग पे, जो कि हमारा प्यारा कॉन्सेप्ट इधर है। अब आते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग में सर एक्चुअली होता क्या है और हमें समझना क्या है। तो पहली बात देखिए, ट्रैप ट्रेडिंग मैं इधर रखता हूँ, हम समझेंगे ट्रैप आखिर क्यों होता है, क्या चीज़ें हैं। पहले तो हमने फील ले लिया कि ट्रैप का मतलब क्या होता है। जो चीज़ आपको चाहिए मार्केट वो दिखाता है, आपको प्रॉफिट चाहिए उसने हैमर दिखाया, आपने कॉल बाय किया आपका लॉस कराया। अब आपने लॉस कराया, अब आप फिर से एक बार लॉस हो गया, दो बार लॉस हो गया तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। फिर मैक्सिमम की साइकोलॉजी क्या होती है ना कि यार अब जो हो रहा है होने दो, मैं सारा पैसा इसी ट्रेड में लगा देता हूँ, पैसा बना तो ठीक है, नहीं बना तो मैं चला जाऊँगा। 90% लोग यही सोचते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बताना, क्योंकि आप डायरेक्टली मैं वहीं पे आपके चैट पढ़ता हूँ और आपसे बात करता हूँ। 90% लोग यही सोचते हैं, मानिए एक ट्रेड में उन्होंने सोचा कि 1000 का लॉस लूँगा, वहाँ पे उनका 3000 का लॉस चलने लगा तो फिर ना, और उनके कैपिटल है मानिए 6000 रुपये, तो वो डिमोटिवेट हो जाते, कहते अरे यार मुझे निकलना चाहिए था, नहीं निकल पाया, मैं क्या करूँ। तो आप ना और बचे हुए 3000 को इसी में लगा देते हो, कहते यार जो होगा देखा जाएगा, या तो मेरा प्रॉफिट आ जाए तो निकल जाऊँगा, या तो फिर पूरे कैपिटल चली जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो चुके हो। और उस केस में 90% आपकी कैपिटल ब्लो आउट होती है, आप मार्केट छोड़ते भी हो, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद पैसे लेके आते हो इस उम्मीद में कि अब उस 6000 को रिकवर करेंगे, और यही सबसे बड़ी गलती है। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो ट्रैप ट्रेडिंग गाइस कितने तरीके का होता है ये पहले डिस्कस करेंगे, कि मतलब कितने तरीके की ट्रैप ट्रेडिंग होता है। तो ट्रैप ट्रेडिंग मेरे भाई चार तरीके से होता है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, चार तरीके से ट्रैप ट्रेडिंग होगा। पहला ट्रैप ट्रेड जो होता है वो होता है आपका इंडेक्स बेसिस पे। पहला जो हमारा ट्रैप ट्रेड होता है वो किसके बेसिस पे होता है, वो इंडेक्स बेसिस पे होता है। दूसरा होता है हमारा प्रीमियम बेसिस पे, कि प्रीमियम की वैल्यू मतलब स्ट्राइक प्राइस में, प्रीमियम बोल दो चाहे एसटी प्राइस बोल दो, स्ट्राइक प्राइस में हमारा प्रीमियम होता है। चौथा होता है कैंडलस्टिक की बेसिस पे, चौथा क्या होता है कैंडलस्टिक की बेसिस पे। और पांचवा होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम स्पेंड की बेसिस पे, कि जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करके वो आपको ट्रैप करता है, ठीक है। यही चार चीज़ अगर आपने पकड़ लिया तो आप अपने ट्रैप से, मैं लिख के दे रहा हूँ 100% बच जाओगे, 100% बच जाओगे। हो सकता है कभी कभी अनसर्टेन न्यूज़ वाला मूवमेंट आए, चाहे अनकंडीशनल अनबिहेवियर मूवमेंट आए, तो आप नहीं पकड़े, आप नहीं समझ पाओगे, लॉस होगा, ठीक है। लेकिन आप 90% इस ट्रैप से बच सकते हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि जितने मेरे बंदे मुझे पहले से देखते हैं, लाइव में देखते हैं, 6000 लोग ज्वाइन होते हैं, और मुझे पता है वो सारे बंदों को पता होगा हम कितने गंदे गंदे ट्रैप से बचते हैं, जहाँ पे लोग एकदम ट्रैप हो रहे अंधा, वहाँ पे हम लोग बच जाते हैं, वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट कर जाते हैं उल्टा जाके, एकदम मतलब मज़ा आ जाता है वो देख के। चीज़ें कभी कभी होता है हम लोग भी ट्रैप हो जाते हैं, 2-4-5 पॉइंट का लॉस होता है, इट इज़ पॉसिबल, वो भाई नॉर्मल है, हम इंसान हैं, ट्रेडर हैं, 1-2 पॉइंट जाएगा। लेकिन जो हम पकड़ते हैं ना वो 30 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 200-200 पॉइंट प्रीमियम में, 260 का प्रीमियम 460 चला गया, प्रॉफिट जब्बर हो रहा है, तो वैसी ट्रैप ट्रेड का फ़ायदा होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि सर ट्रैप ट्रेड की एक्यूरेसी कितनी होती है। फॉर एग्जांपल हम ट्रैप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, इसकी एक्यूरेसी गाइस 80-85% होगी, 90 तक जा सकती है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, लेकिन 80-85%। सर 80% तो सर मज़ा नहीं आएगा, अपन लोग 90% वाले नहीं भाई, 80%। लेकिन इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सुनो कितना बड़ा होता है मेरे भाई, अगर इसमें लॉस आप 10 पॉइंट का ले रहे हो तो प्रॉफिट इसमें होता है कम से कम 70-80 पॉइंट का, मतलब एक आप लगातार 6 ट्रेड लॉस करो और 1 ट्रेड प्रॉफिट करो तो भी आप प्रॉफिट में, जबकि इसकी 80% एक्यूरेसी है, मतलब 10 में से 8 बार प्रॉफिट किया, 2 बार लॉस किया,
दो बार कितना लॉस किया, 10 पॉइंट का, मतलब टोटल लॉस कितना हुआ 20 पॉइंट का, और आपने एक बार में प्रॉफिट किया फॉर एग्जांपल 80 पॉइंट का, 8×8=64, 640 पॉइंट का प्रॉफिट किया, 20 पॉइंट का लॉस किया। फॉर एग्जांपल मान लेते आपने 600 नहीं 500 पॉइंट का ही प्रॉफिट किया, किसी में आप नहीं निकल पाए, आपने डर के ज़्यादा लॉस ले लिया, आपने 500 पॉइंट प्रॉफिट किया, बहुत है यार, बहुत है 500 का प्रॉफिट। आप पर लॉट मल्टीप्लाई कर लो, 500 × 50, मान लो निफ्टी में आपने 500, निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी मान लो, नहीं निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में 80 पॉइंट मिल जाता है, तो बैंक निफ्टी मान लिए 15 क्वांटिटी, अब 15 × 50 कर लीजिए, 750, 7,500 का प्रॉफिट हो गया आपका, 7,500 का प्रॉफिट हो गया ना, बहुत है भाई 7,500। आप अगर ट्रैप ट्रेडिंग से एक लॉट से ट्रेड करते हो और 2 बार लॉस और 8 बार प्रॉफिट करते हो तो भी आप 7,500 बनाओगे, और एक लॉट ट्रेड करने के लिए आप आराम से 5 से 6 हज़ार रुपये में बाई एंड सेल कर सकते हो। तो जब आप 5,000 रुपये से ट्रेड करोगे ट्रैप ट्रेडिंग और आप आराम से 7,500 बनाओगे, मतलब कि कैपिटल डबल, ठीक है, डबल नहीं 3 टाइम होगी ना, 3 टाइम नहीं तो उससे कम होगी, तो हो गया ना अच्छा खासा प्रॉफिट। अरे भाई डबल ही मान लो, यहाँ पे केवल 5,000 मानो, 7,500 में आपने केवल 5,000 बनाया, तो 5,000 कैपिटल से 5,000 बनाया तो 100% इंटायर निकाला, तो मतलब 200% प्रॉफिट ना, मजे करो भाई, और क्या चाहिए। तो आपको फील समझना होगा, मैथमेटिक्स समझना होगा, अगर 20 पॉइंट का लॉस हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपको पता है मेरी ट्रेड की एक्यूरेसी इतनी है, एक ट्रेड मैंने पकड़ लिया 70-80 पॉइंट पकड़ लूँगा मेरा जिंदगी सेट है। तो आपको उस हिसाब से उस बेसिस पे चलना होगा, मैथमेटिक्स के बेसिस पे चलना होगा, इंस्टेंट ऑफ इमोशंस, यहाँ पे पब्लिक इमोशंस के बेसिस पे चलती है। 20 पॉइंट का लॉस हुआ तो अगले ट्रेड में डबल क्वांटिटी मारेंगे, उसमें भी एसएल हिट हुआ तो फिर लगातार बड़े लॉस हो गए, अब डिमोटिवेशन आ गया, ट्रेड करने का मन नहीं कर रहा है, या उसी ट्रेड को होल्ड कर ले गए बड़े लॉस तक, तो वो चीज़ गलत है। आप मैथमेटिक्स पे भरोसा करो, मैथमेटिक्स पे भरोसा करो, नहीं लॉस होगा, आपके इमोशंस भी कंट्रोल में रहेंगे, आप बड़ा प्रॉफिट भी करोगे, लॉस भी छोटा लोगे। दैट इज़ कॉल्ड यू हैव टू फोकस ऑन योर इमोशंस गाइस, यू हैव टू फोकस ऑन योर इमोशन, और आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए आप मैथमेटिक्स पर भरोसा करके चलिए, मज़ा आ जाएगा, लिटरली मेरी बात मान के देखना, आप एक हफ्ते फॉलो करके देखना ना मैथमेटिक्स को, मज़ा नहीं आया ना, मतलब क्या ही बोलूँ, फिर पहले कॉपी पर लिख लो इतना लॉस लूँगा इतना प्रॉफिट लूँगा, मेरे ट्रेड की एक्यूरेसी इतनी है, मतलब इतना एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। अगर 5,000 प्रॉफिट आप पेपर पे निकाल रहे हो और उसका आप 3,000 प्रॉफिट भी निकालते हो रियल में, 5,000 की कैपिटल पे बहुत है भाई, 50% का रिटर्न एक हफ्ते में बहुत है यार, मस्त इन्जॉय करो। तो दैट इज़ द पावर ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग। अब आते हैं कि ट्रैप ट्रेडिंग को सर पकड़ा कैसे जाए, समझा कैसे जाए। पहले हम ट्रैप ट्रेडिंग से बचने का ट्राई करेंगे कि ट्रैप ट्रेडिंग से बचते कैसे। पहला देखिए, सबसे पहला मैंने क्या बताया, इंडेक्स बेसिस पे। तो पहले मैं आज की वीडियो में केवल इंडेक्स बेसिस पे ट्रैप ट्रेडिंग को बताऊंगा, और अगर आपको इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा पार्ट 2 और ऑब्लिक करके पार्ट 3 कंपलसरी, चाहे श्योर ये लिख दीजिएगा, जिससे कि मुझे लगे कि आपको इनकी ज़रूरत है और मैं उस पर लाऊंगा वीडियो। तो पहला जो होगा बहुत डीप जाके समझेंगे और उसको हम पढ़ने का ट्राई करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, इंडेक्स बेसिस मतलब क्या, हमारे पास कितने इंडेक्स है, एक है हमारे पास NF निफ्टी 50, एक है BNF बैंक निफ्टी, एक है फिन निफ्टी, और एक है मिड कैप और सेंसेक्स। तो मिड कैप और सेंसेक्स को हटा देता हूँ क्योंकि वो अभी नए हैं, मैक्सिमम लोग ट्रेड नहीं करते, मैं 3 को देखता हूँ, 3 में भी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मैक्सिमम लोग इस पे करते हैं। देखिए आप निफ्टी पर ट्रेड करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी पर ट्रेड करने जा रहे हो और बैंक निफ्टी आपका साइड में है, मतलब आप निफ्टी पे आपका ब्रेकआउट बन रहा है यहाँ पे, फॉर एकदम ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी पे ब्रेकआउट बन रहा है और बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपका ट्रेड नहीं लेना है। निफ्टी अगर ब्रेकआउट करने जा रहा है, बैंक निफ्टी नहीं ले रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस काम करता है, थोड़ा सा आपका दिमाग काम करता है, थोड़ी सी आपकी साइकोलॉजी काम करती है। फॉर एग्जांपल मानिए निफ्टी का ये लेवल है, मार्केट ऐसे ऐसे कैंडलस्टिक बना के आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट दे रहा है, ये हमारा NF हो गया और इस साइड हो गया हमारा BNF, ठीक है। मैं कुछ कंडीशन समझाऊंगा, बाकी एक्सपीरियंस, और जो लोग नए हैं वो लोग हमें लाइव ज्वाइन करिए, लाइव मार्केट में आपको बहुत अच्छे से ट्रैप ट्रेड समझाऊंगा, एक एक चीज़। हम दिन में 5 या 4 ट्रैप से हमेशा बचते हैं, और मैं लॉजिक के साथ बताता हूँ क्यों हमें नहीं इंटर करना है और क्या रीज़न हो सकता है और कैसे बच सकते हो। अब तो ऐसा हो गया कि मेरी पब्लिक खुद बताती है कि सर ये ट्रैप है, इसमें ट्रेड मत दो। कभी कभी मैं ध्यान नहीं देता हूँ, तो कहती नहीं नहीं सर ये ट्रैप है, तो मुझे अच्छा लगता है, चलो आप लोग ट्रैप पकड़ना सीख रहे हो धीरे धीरे, कम से कम एक वाला ही सीख रहे हो, वन टाइप सीखे हो, प्रीमियम वाला लेकिन सीखे हो। जिन्होंने प्रीमियम वाला ट्रैप ट्रेडिंग सीखा है लाइव मार्केट में हमारे साथ, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर हमने सीखा और बहुत अच्छा लगा, चाहे जो भी एक प्यारा कमेंट कर सकते हो करना, ठीक है। बाकी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक लेवल है 44,500 का, ठीक है, और बैंक निफ्टी यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ट्रैप किया, और बैंक निफ्टी का माने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये भी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, और ये 44,480 का लेवल है, मतलब इसके जस्ट 20 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट दे रहा है, निफ्टी भी ब्रेकआउट दे रहा है, और आपको निफ्टी में क्या करना है, ट्रेड लेना है। तो क्या आप ट्रेड लोगे, कमेंट बॉक्स में यस और नो बताइए सभी लोग, मैं 3 मिनट वेट कर रहा हूँ,
यस सर निफ्टी में ट्रेड लेंगे ये पूरा लिखना है, जिससे कि मुझे कमेंट स्पेसिफिक पता चले। यस सर निफ्टी में कमेंट लेंगे या नो सर नहीं लेंगे। फटाफट तीन तक काउंट करूंगा, 1, 2, 3। आई होप आपने पॉज करके लिख दिया होगा। मैक्सिमम लोग का आंसर होगा नो सर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि गाइस देखो, अगर निफ्टी ब्रेकआउट देगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट देता है और आप एंट्री लेते हो और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है, तो आपको पता है एक साइकोलॉजिकल लेवल है 44,500, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, चाहे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं करने देगा। निफ्टी 50 ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेंगे साथ में, आपका हो सकता है स्टार्टिंग में 2 से 3 पॉइंट का प्रॉफिट हो, और जैसे ये इस रेजिस्टेंस के पास आएगा वहाँ से तुरंत क्या होगा, नीचे आने लगेगा, और जब ये नीचे आएगा तो निफ्टी को भी नीचे लेके आएगा। मतलब आपको यहाँ पे एक ट्रैप किया जा सकता है, आप समझ रहे हो, आप ट्रैप हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका सेकंड इंडेक्स साथ नहीं देगा, सेकंड इंडेक्स साथ नहीं देगा तो आपका जो इंडेक्स में एंट्री कर रहे हो वो इंडेक्स चाह के भी आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, छोटा मोटा प्रॉफिट देगा और लॉस बढ़ा देगा। तो ऐसे ट्रेड को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, इग्नोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन पर ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, और निफ्टी का आप यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे चल रहा है और निफ्टी के जस्ट 5 पॉइंट नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये ब्रेकडाउन करने जा रहा है, तो भी आप एंट्री नहीं लोगे। क्यों? या तो फिर ये भी अपना सपोर्ट ब्रेक कर ले, आप थोड़ी लेट एंट्री करो या रिट्रेसमेंट पर एंट्री करो चलेगा, लेकिन निफ्टी भी ब्रेक कर जाए, कन्फर्म कर जाए तब एंट्री करिए, अदरवाइज एंट्री मत करिए। क्योंकि ऐसे केसेस में मैक्सिमम टाइम ट्रैप होते हैं और मैं लाइव मार्केट में पकड़ता हूँ। अभी तो दोनों को सिंक करके एग्जांपल दिखाना मुश्किल है, लेकिन आप लाइव में देखोगे तो हमेशा मैं इन दोनों को बताता हूँ कि भाई निफ्टी बैंक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से नहीं जा सकता है, तो निफ्टी 50 को कहीं ना कहीं वो नीचे खींचेगा, तो मतलब इसमें बड़ा प्रॉफिट नहीं बन सकता है। तो दोनों को मिला के मैं हमेशा लाइव में सिखाता हूँ। सो अगर आप लाइव नहीं ज्वाइन करते हो गाइस, तो प्लीज़ मंडे से लाइव ज्वाइन करो, मज़ा आ जाएगा आप सभी लोगों को ज्वाइन करके कि यस सर इसमें मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला होता है ट्रैप से बचने का, कि आप इंडेक्स का यूज़ करो। अब आता है कि सर मैं अगर फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं किस इंडेक्स को देखूँ? अगर फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आप मैक्सिमम टाइम BNF को देखो, क्योंकि वो बैंक निफ्टी को एग्जैक्टली फॉलो करता है और आप निफ्टी को भी साथ में देखते रहो, दोनों का हल्का हल्का सपोर्ट मिलेगा, तो फिन निफ्टी एक बढ़िया मोमेंटम दे सकता है, बढ़िया मोमेंटम आपको कैप्चर करा सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पहला वाला क्या सीखा, कि कैसे हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग इंडेक्स बेसिस पे बच सकते हैं, मतलब हम दो इंडेक्स से कैसे बच सकते हैं, हमने ये सीखा, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तभी आप समझ पाओगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ पाएंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये जितने भी मार्केट मोमेंटम करता है ना, सिमिलर टू सिमिलर बैंक निफ्टी के हिसाब से करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्या हम लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करता है, निफ्टी ऊपर जाके नीचे आ जाता है, निफ्टी सपोर्ट नहीं करता है, बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करके ऊपर आ जाता है। तो ये इंडेक्स बेसिस वाला प्लीज़ होमवर्क की तरह करिएगा, और जितने भी एग्जांपल्स हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या टेलीग्राम कर सकते हो, मैं वहाँ पे चेक करके बताऊँगा आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और गाइज आज हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ट्रैप क्या होता है हमने ये पढ़ा कि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है, 4 तरीके की ट्रैप ट्रेडिंग होती है, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। पहला वाला हमने आज पढ़ लिया इंडेक्स बेसिस पे, दूसरा वाला ट्रैप ट्रेडिंग क्या है, अगर आपको दूसरा वाला ट्रैप ट्रेडिंग समझना है तो आप कमेंट में ट्रैप ट्रेडिंग लिखिएगा, जिसमें हम दूसरे वाले ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे, जिसके हिसाब से कि प्रीमियम यानी स्ट्राइक प्राइस को देख के कैसे हम लोग ट्रैप को पकड़े, और उसके बाद कैंडल स्टिक के बेसिस पे कैसे हम ट्रैप को पकड़े, ठीक है, ये दोनों। और लास्ट जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उसके हिसाब से टाइम स्पेंड के हिसाब से ट्रैप ट्रेडिंग पकड़ सकते हैं, और हम ट्रैप ट्रेडिंग का यूज़ करके ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मैं बताने वाला हूँ। दोनों मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, तो इसके 3 पार्ट आने वाले लगातार सीरीज़ में, पहला पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम लोग 2 टाइप के पैटर्न्स को पढ़ेंगे, और लास्ट वाले पार्ट में हम टाइम स्पेंड और साथ ही साथ ट्रैप ट्रेड का यूज़ कर कैसे ट्रेड करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, वेट ए मिनट, अभी तक आप लोगों ने, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, अभी तक गाइज आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो पे मैंने 5000 लाइक की है, आई होप आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, देख सकते हो हम रोज़ लाइव आते हैं और लाइव मार्केट में सीखते हैं आप लोग के साथ, तो आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, लाइव मार्केट में सीख सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड की हैं, कि हाउ टू कैप्चर बिग प्रॉफिट विथ 1 लॉट, हाउ टू ट्रेड विथ 1 लॉट, इसको भी देख सकते हो, चाहे हाउ टू रिकवर योर लॉसेज, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करना चाहते हो, और अगर आप ये OTM ATM में दिक्कत है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख सकते हो। और मैंने प्राइज एक्शन पे भी वीडियो अपलोड कर दिए, तो अभी तक आपने अगर प्राइज एक्शन वाली वीडियो नहीं देखा है गाइज, तो फटाफट प्राइज एक्शन की वीडियो देख लीजिए। तो आई होप गाइज आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छा लिखिएगा, और अगर आपको पार्ट 2 पार्ट 3 चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप लोग
क्रिप्टो की ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आई विश कि आप ऐसे ही आगे बढ़ो, सीखते रहो, चीज़ों को समझते रहो। जितनी चीज़ें हो सकती है मैं फ्री में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी। और गाइज, फ्री टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा या मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप जैसे यहाँ पे फ्री टेलीग्राम पे आओगे, यहाँ पे टेलीग्राम नेम है जो कि मेरे फोटो से अभी हाइड हो जा रहा है, आप इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ज्वाइन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो लिंक पे क्लिक करके, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।